यही वाले यही लोग हाँ यही लोग जो वो आ रहे हैं के अंदर कैमरा नहीं है क्या? एक तो रिंकू तुम्हारी है, और ये टीम मैनेजर है ये लोग कैप्टन पीरपुर जनपद के जरिया में दो दिन पूर्व पेट्रोल पंप पे एक घटना हुई थी जिसमें पेट्रोल पंप मालिक व उसके कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया गया था, तोड़फोड़ किया गया था। इस घटना में राठ से 25,000 का इनामी गैंगस्टर का वांछित अपराधी बीरपाल उर्फ बंटा उसके साथियों द्वारा ये घटना कारित की गई थी। आज यह जानकारी मिली क्षेत्राधिकारी सरीला को कि एक और घटना करने की फिराक में है, तो इसकी घेराबंदी किया। चार टीमें लगी जिसमें स्वाट टीम प्रभारी जरिया में और क्षेत्राधिकारी और जलालपुर की टीम, उसके बाद से इसकी घेराबंदी किया। ये एक अपने साथी के साथ बाइक से जा रहा था, जब इसको रोकने में की कोशिश किया तो बाइक छोड़ करके भागा। उसके बाद से इसने पुलिस के ऊपर इसने और इसके भाई ने वीरेंद्र उर्फ विक्की द्वारा फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाया जो इसके पैरों में लगी, और इसके भाई विक्की जो जिला बदर अपराधी है उसको भी आवश्यक बल प्रयोग करके पकड़ लिया गया। ये घायल अपराधी बंटा के ऊपर कुल 18 मुकदमे हैं और इसके भाई जिला बदर अपराधी जो विक्की है उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं। पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया है और ये सीधा सीधा एक लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा था कि गैंगस्टर में वांछित होते हुए भी उसके बाद से पेट्रोल पंप पे इसके द्वारा घटना कारित की गई है। इस संबंध में तत्काल इसको उपचारार्थ हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां से इसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। घटना में एक विभाग का कर्मचारी आरक्षी जितेंद्र भी घायल हुआ है जिसका भी इलाज चल रहा है। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।